क्या आप जानते हैं कि आउल्स यानी उल्लू की आंखें तो होती हैं पर उनकी आईबॉल्स नहीं होते। एक पेड़ है जिसके अंदर एक ऐसा सिक्योरिटी फीचर है जिसकी मदद से वो जानवरों को अपने आप से दूर रखता है। जैसे सोडियम को आप जब खुले में छोड़ देते हो उसके अंदर आग लग जाती है, वैसे ही ग्रेप्स को अगर एक पर्टिकुलर कंडीशन में रखा जाए तो वो भी आग पकड़ लेते हैं। और क्या आप जानते हैं कि नोज के बिना भी हम लोग स्मेल कर सकते हैं? वेल, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 13 ऐसे ही फैक्ट्स के बारे में जो कि सुनने में भले ही अजीब लगे लेकिन सच है। फैक्ट नंबर वन, आपने रीजनरेशन के बारे में तो सुना ही होगा। 10th क्लास की एनसीईआरटी में एक टॉपिक है रीजनरेशन इन प्लानेरिया, और उसमें ये बताया गया है कि जो प्लानेरिया होता है उसके अगर आप 3-4-5 से जितने भी हो जाएंगे तो हर एक हिस्सा पूरे पूरे इंडिविजुअल में ग्रो कर सकता है। और ऐसे ही सीसलग नाम की एक प्रजाति है जिनको रीजनरेशन का चैंपियन माना जाता है, यानी जब इनकी बॉडी के कई हिस्से हो जाते हैं किसी भी प्राकृतिक आपदा के कारण, जब इनकी बॉडी कट जाती है तब इनका जो सिर है वो अपने बलबूते पर ही जिंदा रहता है और पूरी बॉडी ग्रो होने का इंतजार करता है। फैक्ट नंबर टू, क्या आप जानते हैं कि आपके आसपास के लोग अगर थोड़े बहुत भी जानकार हैं तब वो आपकी बॉडी की स्मेल का इस्तेमाल करके ये पता लगा सकते हैं कि आपके पर्सनालिटी ट्रेट्स कैसे हैं, यानी वो आपसे बिना बात करे पहचान सकते हैं कि आप एक्सट्रोवर्ट हैं या इंट्रोवर्ट हैं। फैक्ट नंबर थ्री, उल्लू जो होते हैं ना उनकी आंखें तो होती हैं लेकिन उनकी आईबॉल्स नहीं होते, उनकी आंखें ट्यूब शेप की होती हैं। और शायद यही रीजन है कि भगवान ने उनको ये एबिलिटी दी है कि वो लेफ्ट और राइट में 270 डिग्रीज तक देख सकते हैं और ऊपर से लेकर नीचे तक 90 डिग्रीज तक वो अपना सर घुमा सकते हैं। फैक्ट नंबर फोर, आप जिस तरह का पेट पालते हैं ना उससे आपकी आदतों के बारे में पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल, जो लोग डॉग पालते हैं वो ज्यादा एक्सट्रोवर्ट होते हैं और वो चाहते हैं कि लोग उनसे खुश रहें, और वहीं जो लोग कैट्स पालते हैं वो बहुत ज्यादा सैवेज और इंट्रोवर्ट होते हैं, उनके अंदर हर चीज को लेकर ना बहुत सारी क्यूरियोसिटी होती है। फैक्ट नंबर फाइव, जो कैट्स होती है ना वो सर्कल्स या स्क्वायर्स में बैठना बहुत ज्यादा पसंद करती हैं, यानी किसी भी फ्लोर पे अगर सर्कल या फिर स्क्वायर बना हुआ है तब कोई भी कैट पसंद करेगी कि वो उसके अंदर जाकर के बैठे। वैसे ऐसा इसलिए होता है कि कैट्स इमेजिन करती हैं कि वहां पर एक बॉक्स है जो कि उन्हें आने वाले किसी भी खतरे से बचाएगा। फैक्ट नंबर सिक्स, क्या आपको पता है कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि अगर किसी इवेंट में जाएं, किसी शादी ब्याह के किसी अगर फंक्शन में जाएं और अगर वो अपना इम्पैक्ट अपना इन्फ्लुएंस वहां ना छोड़ पाए तो उनको सोने में दिक्कत आती है, ऐसे लोगों को नींद कम आती है और वो ज्यादा समय तक जागते रहते हैं। फैक्ट नंबर सेवन, एक्चुअली एक टिप की तरह भी काम कर सकता है। जब भी हम किसी को गिफ्ट देते हैं तो हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि किसको क्या देना है। वेल, एक फैक्ट ये है कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तब हम मटेरियलिस्टिक चीज़ों से शिफ्ट करने लगते हैं ऐसी चीज़ों की तरफ जिनमें हमें मज़ा आता है या फिर जिनका एक्सपीरियंस हमको नया लगता है या अच्छा लगता है। तो जब भी आपको गिफ्ट देना हो तब आप कोशिश कीजिए ये एनालाइज करने का कि जिस बंदे को आप गिफ्ट दे रहे हैं उसकी एज कितनी है। अगर उसकी एज ज़्यादा है तब ऐसे लोगों को आप ऐसा गिफ्ट दें, ऐसे एक्सपीरियंस दें जिससे उन्हें मज़ा आए, एज कम्पेयर टू अगर आप किसी बच्चे को गिफ्ट दे रहे हैं तब उनको मटेरियलिस्टिक चीज़ें ज़्यादा पसंद आती हैं। फैक्ट नंबर एट, डॉक्टर्स का ऐसा कहना है कि जो बच्चे होते हैं उनकी फिंगर्स अगर हल्की बहुत आगे से कट जाएं तब वो रीग्रो कर सकते हैं अगले 2 महीने के अंदर अंदर। वेल, इसका कोई अभी ऐसा रीजन नहीं मिला है कि ऐसा क्यों होता है और ये हर केस में पॉसिबल भी नहीं होता, तो कोशिश कीजिए कि अपनी फिंगर्स को आप बचा करके रखें। ऐसा ज़बरदस्ती कट करने की जरूरत नहीं है, बस ये टेस्ट करने के लिए कि ये रीग्रो करेंगी या नहीं करेंगी। फैक्ट नंबर नाइन, अकेशिया नाम का एक ऐसा पेड़ है जिसके अंदर एक ऐसी एबिलिटी है कि जैसे ही कोई एनिमल आकर के इनके लीव्स को यानी इनके पत्तों को खाता है तभी एक केमिकल रिलीज करना शुरू कर देते हैं, और जब ये ऐसा कर रहे होते हैं तब इनके जो आसपास के और पेड़ हैं इन्हीं की तरह के वो भी ये पहचान लेते हैं और वो भी अपना वो केमिकल रिलीज करना शुरू कर देते हैं जिसकी मदद से ये एनिमल्स को अपने से दूर भगा देते हैं। फैक्ट नंबर 10, आपने सुना होगा कि जो सोडियम होता है ना उसको अगर आप खुले में छोड़ दो तो उसके अंदर आग लग जाती है, बिल्कुल इसी तरह से ग्रेप्स को अगर आप माइक्रोवेव में रख दो तब वो भी आग पकड़ लेते हैं। फैक्ट नंबर 11, ह्यूमंस अकेले ऐसे एनिमल हैं जो कि ब्लश कर सकते हैं यानी शर्मा सकते हैं, इट्स ट्रू। फैक्ट नंबर 12, गैट्सबी नाम का ये नॉवल 50,000 वर्ड्स वाला एक ऐसा नॉवल है जिसके अंदर इंग्लिश का सबसे कॉमन लेटर यानी ई कहीं भी यूज नहीं किया गया है, यानी इन 50,000 शब्दों में से एक भी शब्द ऐसा नहीं है जिसके अंदर ई का इस्तेमाल किया गया हो। फैक्ट नंबर 13, क्या आपको पता है कि अगर आपकी नोज ना हो तब भी आप चीजों को स्मेल कर सकते हो? वेल, जो ऑडर रिसेप्टर्स आपकी नोज में लगे होते हैं वैसे ही ऑडर रिसेप्टर्स आपकी टंग यानी आपकी जीभ में भी लगे होते हैं, यानी अगर किसी केस में अगर आपकी नोज किसी वजह से डिस्ट्रॉय हो जाती है तब उस केस में आपकी जो टंग है वो आपको मदद करेगी कि आप चीजों को स्मेल कर सको। वेल, आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। इन सारे फैक्ट्स में से आपको कौन सा सबसे ज्यादा अजीब लगा ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर दीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आगे ऐसे बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।